हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय जियो टिप्स। माय जियो टिप्स मेरे चैनल का नाम है। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मेरा नाम है जुगल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो है टिल्टेशन और इंक्लिनेशन पर। फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो चलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज के वीडियो की। आज का हमारा टॉपिक है टिल्टेशन और इंक्लिनेशन पर। शुरू करने से पहले हम बात करेंगे एक्सिस और ऑर्बिट पर, जिससे हमें आगे इसको समझने में आसानी होगी। दोस्तों, डेफिनेशन को आप नोट कर लीजिए, आगे वीडियो में समझते हैं उसको, डायग्राम से डिटेल में समझते हैं आखिर ये दोनों क्या चीज़ें हैं। तो फ्रेंड्स, इस डायग्राम में आप देख रहे हैं ये जो सर्कुलर लाइन है रेड कलर की, ये अर्थ का ऑर्बिट है। यहाँ पर लिखा हुआ है, ये बीच में सन है और ये है हमारी अर्थ, और बीच में ये जो ग्रीन वाली लाइन है ये दोस्तों अर्थ का एक्सिस है। आप यहाँ पर भी देख रही है थोड़ा सा टिल्टेड है, और नीचे ये तो सर्कुलर एरो दिखाया हुआ है, ये अर्थ की रोटेशन को बता रहा है कि कौन सी तरफ ये रोटेट कर रही है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपने देख लिया ऑर्बिट और एक्सिस। फ्रेंड्स, अब बात करेंगे टिल्टेशन और इंक्लिनेशन के ऊपर। ये डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है, इसको नोट कर लीजिए आप, और इसके बाद डिटेल में बात करेंगे डायग्राम से अच्छी तरह से समझेंगे आखिर ये दोनों क्या हैं। फ्रेंड्स, अब इस डायग्राम से डिटेल में बात करते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन और एंगल ऑफ टिल्टेशन के बारे में। ऑर्बिट और एक्सिस के बारे में हमने देख लिया दोस्तों, ठीक है। फ्रेंड्स, ये है हमारे पास ऑर्बिट, ठीक है, ये जो लाइन है ये ऑर्बिट का प्लेन है, ठीक है। दोस्तों, यहाँ पर हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं, ये ऑर्बिट का ये लाइन जो है ये प्लेन है, और उसके बाद ये ए बी लाइन जो वर्टिकल ऑफ ये वाली लाइन देख रहे हैं ये नॉर्मल है प्लेन के, नॉर्मल मीन बिल्कुल 90 डिग्री ये लाइन है, ठीक है दोस्तों। और ये वाली येलो लाइन जो आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, ये अर्थ का एक्सिस है। अब हम देखेंगे कि इंक्लिनेशन क्या है और टिल्टेशन क्या है। दोस्तों, डेफिनेशन में आपने देखा एंगल ऑफ जो टिल्टेशन है वो क्या है, एंगल बिटवीन नॉर्मल ऑफ द ऑर्बिटल प्लेन एंड द रोटेशनल एक्सिस, ठीक है। ये हमारे पास ऑर्बिट है, ये नॉर्मल है किसके, अर्थ के ऑर्बिट के प्लेन के नॉर्मल, ये वाला और अर्थ के एक्सिस के बीच बनने वाला जो एंगल है ये वाला, ये जो एंगल है ये एंगल है एंगल ऑफ टिल्टेशन, ये 23.5 डिग्री होता है, 23.5 डिग्री। तो अब बात करेंगे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन की, जो अर्थ के एक्सिस और ऑर्बिटल प्लेन के बीच होता है, ये वाला एंगल 66.5 डिग्री होता है, इसको कहते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। रिपीट कर दूं, इस नॉर्मल के और अर्थ के एक्सिस के बीच का जो एंगल है टिल्टेशन एंगल है, इस अर्थ के एक्सिस और ऑर्बिट के प्लेन के बीच का जो एंगल है ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, ठीक है दोस्तों। अब इसमें आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना है,